चंडीगढ़ के पंजाब पुलिस वालों अज प्रैस कॉन्फ्रेंस की जानी है तो पंजाब पुलिस वालों किए जा सकते हैं कई वड्डे खुलासे मूसेवाला कत्लकांड को लैके हो सकता वड्डा खुलासा दोपहर एक बजे पंजाब पुलिस प्रैस कॉन्फ्रेंस करेगी क्योंकि दस दिए कि बीते दो दिनों तो लगातार निरंतर लॉरेंस बिश्नोई तो पुछगिछ चल रही है और पुछगिछ के दौरान की अहम खुलासे हुए ने हुण तत्थां के आधार पर पुलिस द्वारा इस गल की जी जानकारी वह मीडिया के नाल साझी की जाएगी मीडिया के मुखातिब होंगे अज पंजाब पुलिस के सीनियर अधिकारी दोपहर एक बजे प्रैस कॉन्फ्रेंस की जानी इस दे नाल ही साढ़े नाल साढ़े सहयोगी गुरप्रीत सिंह साढ़े नाल लाइव मौजूद ने पल पल की अपडेट इस मुतलक दे रहे हैं गुरप्रीत की जानकारी है हालांकि एक बजे जी प्रैस कॉन्फ्रेंस की जानी उस अहम खुलासे होने की संभावना है जो कि लॉरेंस बिश्नोई द्वारा सवालों के जवाबों के तहत दिए गए हैं बिल्कुल गुरप्रीत एक बजे दोपहर आई जी हैडक्वार्टर्स सुखचैन सिंह गिल एक प्रैस कॉन्फ्रेंस कर जा रहे हैं बड़ी अहम प्रैस कॉन्फ्रेंस कही जा रही है और संभावित तौर पर यह सिद्धू मूसेवाला कतलकांड के नाल जुड़िया हुई जो हुण तक के खुलासे ने हुण तक जो कुछ फाइंडिंग्स पुलिस को पता लगिया ने संबंधित होएगी मोटा मोटा जो है कि हुण तक एक स्टेटस रिपोर्ट हैगी जी एस आई टी की वह भी सामने आ गई सी पर हाले तक यह कहा जा रहा है कि एस आई टी की जी स्टेटस रिपोर्ट है वो बहुत सारिया गल्लां मिसिंग्स ने हाले कुछ खास ब्रेक थ्रू है जोड़े ग्राउंड ब्रेकिंग जो आप गल कह लिए वो नहीं हासिल होया था पुलिस से भी और पंजाब सरकार से भी क्योंकि नाल नाल तुसी ये भी समझ लो कि जिहड़ा संगरूर बाय इलैक्शन भी है और किते ना किते विरोधी पार्टियां ने जिहड़ियां वो लगातार ग्राउंड से सिद्धू मूसेवाला कतलकांड और लॉ एंड ऑर्डर नूं लैके लगातार वो निशाना बना रही ने पंजाब सरकार नूं और एक वड्डा प्रैशर है जिहड़ा पंजाब पुलिस से भी पंजाब सरकार दे वल्लों भी कि यह मामला है जिहड़ा जल्दी तो जल्दी हल किया जाए घट्टो घट ये जिहड़े शूटर्स ने वो कदों पुलिस की गिरफ्त च आउंदे ने हथियार कदों बरामद हुंदे ने एक प्रोसैस दे विचों लंघ के होएगा पर घट्टो घट लोगों एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है जिहड़ा इस मामले नूं लैके जिहड़े सिद्धू मूसे वाले कतलकांड दे नाल लोगों की नज़र हैगी जिहड़ी टिकी हुई है पंजाब दे लोगों दी एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होवे कि पुलिस की जाँच हैगी जिहड़ी वो सही ट्रैक ते जा रही है और बड़ी जल्दी जिहड़े जिन्ने कल्प्रिट्स ने इन्हां दी निशानदेही होगी और बिहाइंड द बार्स जेल दियां सलाखां दे पिछे होणगे सो इसे नूं लैके एक जिहड़ी प्रैस कॉन्फ्रेंस है आई जी हैडक्वार्टर सुखचैन सिंह गिल एक बजे करन जा रहे हैं संभव तौर पर चार जिहड़े हुण तक शूटर्स ने यह कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई हो गए है हुण पंजाब पुलिस दे वल्लों जिन्हां दे विचों पहलां बेशक यह कहा जा रहा है कि अठ शूटर्स ने अठां दी लिस्ट एक जारी हुई सी दिल्ली पुलिस दे वल्लों वी पांच तो छे दी गल की जा रही थी पर हुण जिहड़ी जानकारियां ने उन्हां दे मुताबक दो तीन नवें नां जिहड़े ने वो ऐड होए ने उन्हां दे बारे जानकारियां रखियां जाणगियां उन्हां दे बारे खुलासे उन्हां दीआं फाइंडिंग्स की ने वो सामने आ सकता है मनु कुस्सा का नाम सामने आया मोगा का रहने वाला है वो बारे कहा जा रहा है कि वो इस शूटिंग दे विच जां इह जिहड़ा शूटआउट सिद्धू मूसेवाले नाल होया उहदे विच शामिल सी इस तो अलावा जगरूप रूपा का नाम हालांकि पहला सी पर जगरूप रूपा के बारे जिहड़ा अमृतसर का रहने वाला वह किवें इस जिहड़े शार्प शूटर्स ने इन्हां दे ग्रुप दे विच शामिल होया इस तो अलावा प्रियव्रत फौजी ते अंकित सिरसा करके जिहड़े ये दो सोनीपत रहने वाले ने फिलहाल पंजाब पुलिस चार नूं अहम कड़ियां मन के चल रही है चार शूटर्स ने जिहड़े प्रियव्रत फौजी ते अंकित ये दोवें सोनीपत के रहने वाले ने इस तो अलावा मनु कुस्सा एक नवा नाम है जिहड़ा वो हुण लेटर ऑन जिहड़ी जिनी फाइंडिंग चल रही है और लॉरेंस तो जिनी पुछगिछ हो रही है इस तो अलावा बाकी के लोगों तो जिनी क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है वो आधार पर हुण एक नवा नाम है जिहड़ा एस आई टी के वल्लों वो ऐड किया गया वह है मनु कुस्सा का यह मोगा का रहने वाला है यानी कि बारे यानी कि गुरप्रीत इस कोई दो रावां नहीं है कि जिहड़ा लॉरेंस बिश्नोई है उस तो पुछगिछ के दौरान ही असली तत् सामने आने लगे ने या फिर खास तौर पर इस गल वल आपां जिक्र करिए कि जिहड़े गुरिंदर गोरा ते लॉरेंस बिश्नोई नूं दोनों नूं आम सामने बिठा के जिहड़ी क्वेश्चनिंग की गई है उसके तहत अहम खुलासे हुए हैं उसके तहत अहम जानकारी सांझी हुई ने क्योंकि गोल्डी बराड का सीधा कनैक्शन गुरिंदर गोरे दे नाल उस तो बाद लॉरेंस बिश्नोई के सामने बिठा के पुछगिछ करनी कितना कितने ऐ कि आने वाले समय के वड्डे खुलासे या फिर तुसीं बीते दिन एक म्यूजिकल इंडस्ट्री के कुछ लोगों का भी जिक्र किया उन्होंने नाम भी अज सामने आ सकते हैं प्रैस कॉन्फ्रेंस के जरिए
देखो इसे तो ही सब दिया नज़रें टिकिया हुई क्योंकि कल दिया चर्चावां जरूर चल रही ने दबी जबान दे विच कुछ पुलिस अधिकारी ने जिहड़े वह भी इस तरह दीआं गल्लां ने जिहड़ियां वह भी सामने आईआं कि म्यूजिक इंडस्ट्री के कुछ लोग ने जिहड़े शामिल ने। इस तों इलावा यह पूरी जिहड़ी सिद्धू मूसेवाला मर्डर मिस्टरी है ये किते ना किते जिहड़ी रिवैलरी है दो गैंग्स की जिहड़े म्यूजिक इंडस्ट्री ते भी अपना कब्जा चाहुंदे हैगे दोवां दी रिवैलरी भी है पुरानी और ना सिर्फ इत्थों मतलब ये किलिंग्स नूं लैके शुरू होया ये बड़ा पुराना जदों यूनिवर्सिटी के टाइम ते पढ़ते होणगे शायद ये नौजवान तो उदों दीआं जिहड़ियां दुश्मनियां चलियां आ रही ने ये उत्थों तक कड़ियां खुलणगियां किवें एक जिहड़ा कबड्डी मेला सीगा कबड्डी कप सी उहदे विच जाण तों सिद्धू मूसेवाले नूं लॉरेंस रोकदा है फिर उत्थे सिद्धू मूसेवाले नूं सन्मानित किया जाता है वह कबड्डी कप ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਿਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੀਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਇੱਕ ਸੋਪੂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਬੜਾ ਖਾਸ ਸੀ ਔਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਜ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਪੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰ उस तो बाद विक्की मिड्डू खेड़ा का कतल हुंदा तां आ सारियां जिहड़ियां घटनावां ने किते ना किते इन्हां सारियां दे तत्थ जोड़दी हुई पुलिस चल रही है सारियां इंटरलिंक्ड ने ते सिद्धू मूसेवाला दा जिहड़ा मर्डर है कि वह इन्हां घटनावां दे विच किते ना किते तंद जुड़ी हुई हैगी जां इह इह इशारा कर दिंदियां ने इह सारियां चीज़ां तों पर्दा उठेगा। और जिहड़ी रही म्यूजिक इंडस्ट्री दी गल तां इह वी जरूर है कि म्यूजिक इंडस्ट्री के भी दो तीन नाम है जिहड़े उन्हां दी चर्चा जरूर चल रही है हुण पुख्ता पुलिस अज की कढ पाउंदी है वह उहदे ते नज़र रहेगी। गुरप्रीत जिहड़ा मैनेजर का नाम भी सामने आ रहा सिद्धू मूसेवाला दे उसका किन्ना क असलियत संबंध है इस पूरे कतलकांड दे नाल या फिर खास तौर पर विकू विक्की मिड्डू खेड़ा जिहड़ा उस दे नाल जोड़ के देखा जा रहा है कि उसनू उस दे जिहड़े कातल सी उन्हां नू पनाह दित्ती गई सी इस च किन्नी क सच्चाई लग रही है इसनू लैके भी अज प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच जिक्र किया जाएगा कोई लग रही है जी संभावना सूत्रां दे वाले तों। देखो अज की प्रैस कॉन्फ्रेंस के की जिक्र आता है ये पुलिस दसेगी पर इन्ना जरूर है कि विक्की मिड्डू खेड़ा के कतल के वेले जो शगनप्रीत का नाम आया सी जिहड़ा मैनेजर सिद्धू मूसेवाले का दसया जाता हालांकि सिद्धू मूसेवाले के नाल एक गल साफ कर दी है कि उहदे नाल कोई पक्का मैनेजर नहीं रहा पर कुछ टाइम के लिए शगन ने शायद वो जो शोज़ वगैरह ने वो जरूर मैनेज किए हैं या अरेंज किए हैं तो उस वक्त सिद्धू मूसेवाला का जिहड़ा मैनेजर है शगन उहदा नाम आया सी दिल्ली पुलिस दीआं फाइंडिंग्स दे विच जदों जिहड़ा है विक्की मिड्डू खेड़ा का जिहड़ा कतल होया उस तों बाद दो शार्प शूटर्स ने जिहड़े उह दिल्ली पुलिस दे वल्लों अरैसट किए गए सी उन्हां तों पुछगिछ दे दौरान किते शगन का लिंक निकलिया सी तां दिल्ली पुलिस ने यह जानकारियां ने जिहड़ियां पंजाब पुलिस दे नाल सांझियां भी कीतियां सी। इन्हां चीज़ां नूं लैके जिहड़ा लॉरेंस दा जिन्ना भी गुट हैगा वह इन्हां चीज़ां नूं लैके नाराज़ भी सी किते ना किते कि जिहड़ा सिद्धू मूसेवाला है वह डायरैक्टली जां इनडायरैक्टली उहदी किते इनवॉल्वमेंट तां नहीं है इस पूरे उहदे विच हालांकि ये पक्के तौर पर हाले तक इस्टैबलिश नहीं हो पाया फैक्ट कि शगन की इनवॉल्वमेंट का मतलब सिद्धू मूसेवाले की कोई डायरैक्ट इन या इनडायरैक्ट कोई इनवॉल्वमेंट या सिद्धू मूसेवाले को कोई जानकारी भी सी या नहीं सी कि उहदा जिहड़ा मैनेजर है उन्हें किसी नूं अपने कोल रिहायश दित्ती है जां पनाह दित्ती है जां दो लोगों उन्हें किते इधर उधर चंडीगढ़ दे विच किते लैके गया थावां कुछ दिखाईआं ने तां उह सिद्धू मूसेवाले नूं नॉलेज उहदी सी या नहीं सी इह हाले तक जिहड़ा इस्टैबलिश नहीं हो पाया इह पुलिस दीआं फाइंडिंग्स दे विच ही सामने आऊगा कि की सिद्धू मूसेवाला इन्हां चीज़ां बारे जानता सी या नहीं जानता सी पर इन्ना जरूर है कि शगन दी जिस तरह उस तो बाद फिर शगन इत्थों गायब होया जां मुल्क दे विचों गया तो उन्हें जिहड़ियां लॉरेंस ग्रुप दीआं जिन्नियां भी उह सीगियां शक सीगे उन्हां नूं होर पुख्ता कीते जदों इह फाइंडिंग्स दे विच उहदा नाम सामने आया तो शगन ने कोशिश की कि हुण फिर मुल्क जिहड़ा है छड्डिया जाए लॉरेंस का जिहड़ा ग्रुप है वह इल्जाम लगाउंदा कि उस तो बाद जदों उहदा नाम पुलिस जांच दे विच दिल्ली पुलिस दी जांच दे विच उठिया ते उस तो बाद फिर शगन है जिहड़ा मुल्क छड्ड गया फिर वह पहले दुबई गया दुबई तो फिर वह आस्ट्रेलिया गया आस्ट्रेलिया जाण दे लई जिन्नी भी उहनूं मदद की लोड़ सीगी जदों पुलिस क्लीयरेंस वीज़ा दे वेले हुंदी है जां बाकी जिहड़े खर्चे हुंदे आ उहनां चीज़ां दे विच ये कहा जाता है जो दावे लॉरेंस ग्रुप के ने
कि इन्हां चीज़ां दे विच उहदी जिहड़ी मदद है उह सिद्धू मूसेवाले ने कीती उहनूं इत्थों भजाउण दे विच ते आस्ट्रेलिया एक बार सैटल कराउण दे विच जिहड़ी इह सिद्धू ने मदद कीती। हुण सिद्धू इन्हां सारियां चीज़ां बारे जाणदा सी जां नहीं जाणदा सी इह हाले कोई इहदा पक्का दावा नहीं कीता जा सकदा, पर इह चर्चावां ने इस तरहां तो जदों इत्थों शगनप्रीत है जिहड़ा उह इत्थों फरार हो जांदा तां फिर इह जिहड़ी सारी गुस्सा है जां नाराजगी है जिहड़ी लॉरेंस दी जां लॉरेंस दे ग्रुप दी जां उहदे उहदे नाल जुड़े हुए बंदियां दी उहदे नाल जुड़े हुए जिन्ने मुंडे उहनां दी उह फिर सिद्धू मूसेवाले ते हो जांदी है। इह वी इक थ्योरी ते है जिहड़ी पुलिस इहनां ते वी काम कर रही है, इहदे चों वी देखणा होगा फाइंडिंग्स दे विचों इहदे चों निकलदा की है। देखो गुरप्रीत एक गल तो जरूर है क्योंकि जिस हिसाब के नाल खबर आई सीसीटीवी फुटेज आई कि बहुत टाइम तो रेकी की जा रही थी सिद्धू मूसेवाला की तो आखिरकार ताबड़तोड़ गोलियों के नाल उसका कतल किया गया तो हुण अहम कड़ियों के नाल कड़ियां जुड़दी हुई नज़र आ रही। लेकिन एक गल जरूर है कि लॉरेंस बिश्नोई अपनी गल तो वजिद है कि जो दिल्ली पुलिस को स्टेटमेंट दिती उही हुण पंजाब पुलिस को स्टेटमेंट दिती जा रही है, उस तो आसे पासे बिल्कुल भी नहीं हो रहा लॉरेंस बिश्नोई जिदा सूत्रों के वाले तो तुसी खबर सांझे कर रहे हो तो लगता है कि इस दे नाल एक अहम कनैक्शन बारे भी अज प्रैस कॉन्फ्रेंस के जिक्र हो सकता है। हालांकि प्रैस कॉन्फ्रेंस के ही सारी चीज़ें क्लीयर होनी ने लेकिन कितना कितने कड़ियां जरूर जुड़दियां हुई नज़र आ रही ने वक्त केसों के नाल। देखो अज की जी प्रैस कॉन्फ्रेंस है वो पुलिस का जोड़ा जोर है वह ज पुलिस की जी जिन्ना फोकस है वह सारा इस गलते रहूगा कि असी आह जे लोग ने यह हूँ तक आइडेंटिफाई कर ले जे चार शूटर्स हूँ एस आई टी की जी स्टेटस रिपोर्ट है वो मुताबक चार शूटर्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए। इस तो अलावा दो तीन होर जो अहम गल् ने वह है कि लॉरेंस तो गुरिंदर गोरा जोड़ा इन्ह की क्रॉस क्वेश्चनिंग है जी आमो सामने फेस टू फेस बिठा के हुई है। इस तो अलावा तीन लोग ने जोड़े मोनू डागर पवन बिश्नोई तो नसीब ये मानसा पुलिस इन्हों की इंटैरोगेशन है जी कर रही है इन्हों तो भी बड़िया अहम जानकारियां मिली ने। मोनू डागर है जोड़ा वो बारे ये जानकारी है कि प्रियवर्त फौजी तो अंकित ने जोड़े वो ये को रुके से और इन ये दो शूटर्स का इंतजाम है जोड़ा वो मोनू डागर ने किया सारिया चीज़ा। इस तो अलावा हूँ एक अहम जी कड़ी है वो कल की जी गल चल रही है हथियार की लोकेशन जिड़े हथियार जिड़े वैपन के नाल सिद्धू मूसेवाले का कतल होया वो वैपन कितने ने कल भी ये जानकारियां पुलिस सोर्सेस तो कुछ निकल रही सी कि पुलिस में एक टेंटेटिव लोकेशन मिल गई है कि मानसा के नेड़े पंजाब हरियाणा की हद ते किते ये हथियार ने जिहड़े दब्बे गए ने क्योंकि नाल कैरी करने तो हर एक दे लई मुश्किल सी किते भी वह फड़े जा सकते सी। सो जदों एस्केप रूट तो अपने तो निकले है किते तो एक जां दो शख्स जिहड़े निकले आ वह हथियारां नूं उत्थे दब गए किते मानसा दे नेड़े जां मानसा दे आले दुआले जिथे जिथे चार पांच जगह ते चार पांच पॉइंट्स ऐसे ने दरअसल मानसा दे विच जिथे पंजाब ते हरियाणा दी जिहड़ी हद है वो आपस दे विच मिलदी है। पर जेकर गुरप्रीत जेकर इस गल दे विच कितना कितने असलियत है कि जिहड़े हथियार ने उह हद ते दबे गए ने तां बहुत वड्डी नाकामी है फिर पुलिस प्रशासन की क्योंकि रैड अलर्ट जारी होने तो बाद भी जेकर गैंगस्टर या फिर शूटर इस कदर हरेक किसी मोड़ते घाट है जो उतार सकते हैं तो उस तो बाद आराम दे नाल बहुत आसानी दे नाल सूबे तो बाहर जा सकते हैं या फिर जिस हिसाब से जानकारी मिल रही है कि हथियार भी दब के बहुत आसानी तरीके दे नाल बाहर जा सकते हैं तो बहुत वड्डे सवाल खड़े होंगे ने फिर तो पंजाब पुलिस के। देखो अज हो सकता है कि उन्होंने हथियारों की जी लोकेशन की हैगी वह भी पुलिस मिल गई होगी क्योंकि कल की यह चर्चा बड़ी जोर से हो चल रही थी इतने भी पुलिस सोर्सेस भी कह रहे थे टेंटेटिव लोकेशन मिल गई है सानू हुण बड़ी जल्दी असी हथियारों तक पहुँच जाएंगे यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस टीम्स ने जिहड़ियां हुण सर्च अपनी वढ चुकियां ने उधर नूं कि कित्थे हथियार लुकाए हो सकते हैं। सो यह जिहड़ियां तमाम चीज़ा ने इहनूं देखदे हुए यह भी हो सकता है कि पुलिस अज कोई इस तरह का खुलासा लैके आए कि हथियार उन्होंने मिले है या नहीं मिले। पर हाँ ये जी तुसी गल कह रहे हो कि नाकामी कितने ना कितने कुताही कितने ना कितने ये जरूर हुई है वो तो तुसी ये भी देख सकते हो कि क्राइम सीन तो जो लोग भज्जे है तो पहली गल तो यह है कि पुलिस को यह समझ नहीं आया कि किस रूट पर असी टीम भेजिए क्राइम सीन तो 13 किलोमीटर दूर ख्याला दे विच बड़ी आसानी दे नाल अपनी बलैरो छड के चले जाते पुलिस को उस बलैरो बारे कोई जानकारी नहीं मिलती गी पुलिस टीम कोई उधर नहीं सर्च करती। इस तो अलावा तुसी ये देखो कि सवेरे 3 बजे जाके जिहड़ी ऑल्टो हैगी वह मोगा नेड़े धर्मकोट तो मिलती हैगी 5:30 बजे सिद्धू मूसेवाले का कतल हुंदा है इन बिटवीन 10 घंटे का वक्फा है इस 10 घंटे दे विच किसे नूं
कोई नाके ते नहीं रोकया गया, कुछ नहीं पता लग गया। वो बड़ी आराम दे नाल बेशक वह पिंडां विच दी लंघे, कई सीसीटीवी फुटेज इदां दी आईयां जिस दे विच जिहड़ी ऑल्टो गड्डी जिहड़ी उन्होंने बाद दे विच लुट्टी जां कन्न ते उहदे पिस्तौल रख के एक इंसान दे उहदी ऑल्टो कार खोही, वह लैके वह पिंडां विच दी निकले। कई पिंडां दे सीसीटीवी फुटेज बाद दे विच पुलिस ने खंगालियां दा पता लग्गिया कि वह हाईवे तो नहीं निकले, पर किते तां वह हाईवे ते चढ़े होणगे। मोगा धर्मकोट के कोल जदों पहुंचे उदों हाईवे चढ़े होंगे। इस दौरान जदों आ 10 घंटे बाद ऑल्टो मिलती है तो 10 घंटे का वक्फा बड़ा लंबा सी। 10 घंटे बाद ऑल्टो मिली है, घट्टो घट्ट उन्होंने मोगा पहुँचते हुए 2.5 to 3 घंटे का समा लग्या होना मानसा तो। उस दौरान पुलिस की नाकेबंदी कित्थे सी? ऐतवार का दिन से जिस दिन कतल होया सिद्धू मूसेवाले, तो कई थावां ते कोताही तो उस दिन पुलिस तो हुई है। सो बिल्कुल गुरप्रीत, क्योंकि कताही दियां जिहड़ियां कितें गल्लां बातें ने वो बिल्कुल जग जाहर भी हो रही ने। तो उस तो बाद हालांकि हुण यह भी नहीं कहा जा सकता गुरप्रीत के बहुत नेड़े आ पुलिस इस पूरे कतलकांड की गुत्थी सुलझाउण दे, क्योंकि जिते काफ़ी कड़ियां नाल कड़ियां जुड़दी हुई नज़र आ रही ने। जिते पहला गिरफ्तारियां हुई ने, हिरासत में कई लोग लेने उन्हां तो बिना हुण जिहड़ी ताज़ा गिरफ्तारियां हुई ने असल तत् हुण उन्हां तो निकल के सामने आ रहे हैं, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई हुण जो मेन मुख सरगड़ा है वह पंजाब पुलिस की गिरफ्त में है, तो उही कितना कितने हुण जिस गल नूं डिनाय कर रहा है, तां लेकिन बैकफुट ते कितना कितने उस चीज़ उस व्यक्ति नूं जां उस गैंगस्टर नूं यह गल जरूर पता है कि जिहड़े उसके गुरगे ने उन्हां द्वारा कि चीज़ को अंजाम दिता जा सकता है, या फिर गोल्डी ब्राड के उन्होंने कितना टच सी? बिल्कुल हम देखो आज की जी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो उम्मीद ज जो संभावना पॉसिबिलिटी वो इस गल की है कि पुलिस चार पांच जिहड़े शूटर्स ने, चार शूटर्स ने इन दियां तमाम जिहड़ी आइडेंटिफिकेशन है कि तीन तो इन्हां दे विचों आइडेंटिफाइड ने, एक नवा ऐड नाम जो पुलिस ने किया मनु कुस्सा दा उहदे बारे कोई आइडेंटिफिकेशन हाले नहीं है, उहदी कोई फोटो है जिहड़ी उह भी पुलिस ने रिलीज़ नहीं की है। बाकी दे जिहड़े तीन ने प्रियव्रत फौजी है, अंकित सिरसा का नाम आया सी पहले दिन ही, उहदा नाम आया सी, इस तों इलावा जगरूप रूप है, इन्हां तिन्नां दियां फोटोग्राफ्स ने जिहड़ियां पुलिस पहलां रिलीज़ कर चुकी है। मनु कुस्सा मोगा का रहने वाला है, यदा नाम कल ऐड होया जो स्टेटस रिपोर्ट आई है, तो यदि आइडेंटिफिकेशन हाले तक नहीं है, यदि कोई फोटो हैगी जी वो हाले तक नहीं है, आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। इस तो अलावा हथियारों को लेकर जी टेंटेटिव लोकेशन बार बार गल की जा रही है, हथियारों की लोकेशन मिल गई है, तो वो तो कोई हो सकता है कि पुलिस कोई गल करे, पर लॉरेंस का कॉन्सपीरेसी या लॉरेंस कितना बड़ा कॉन्सपीरेटर है इस पूरे मामले के, वो हाले पुलिस कोई ब्रेक थ्रू शायद नहीं हासिल कर पाई। बिल्कुल, सो काफ़ी अहम खुलासे जरूर होंगे गुरप्रीत, क्योंकि एक बजे जी प्रेस कॉन्फ्रेंस है काफ़ी अहम गलों वाले इशारे जरूर कर रही है। सो फिलहाल तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, अगे भी तो अपडेट लेंदे रहेंगे।